हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्पॉट एकेडमी पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कल हमने आर्गुमेंट के बारे में बात की थी कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में आपको बताया हुआ था। आज हम फिर उसी में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट आए, लेकिन उस बात को जारी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम की चैनल है, आप लोग टेलीग्राम के चैनल को सर्च करिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा द स्क्वाड एकेडमी के नाम से है, द स्क्वाड एकेडमी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ज्वाइन करना है आपको द स्क्वाड एकेडमी। जैसे ही आप अगर द स्क्वाड एकेडमी डालोगे तो तुरंत सर्च इंजन में आएगा द स्क्वाड एकेडमी, आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको नियमित जो आप क्लासें आपकी हो रही हैं, आपको नियमित क्लास के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहां से क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है आपको आप सोचोगे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल ज्वाइन करने से मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है, तो आप इसके थ्रू, मान लो आज आप नहीं पढ़ पाए, तो आप इसके थ्रू चैनल में जाके क्लास देख पाएंगे। हाँ, क्लास नंबर ये है और ये हमारे चैनल में पढ़ी हुई है, आप इसको देख सकते। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो इतनी ही केवल इंफॉर्मेशन और कोस्ट गार्ड की जो एग्जाम है आगे बहुत ही आपको उसके बारे में सूचना मिलेगी। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको करिए और बहुत अच्छे से आप अपना टेस्ट करके ही आइए। तो नेक्स्ट अगर हम आर्गुमेंट के लिए बात करें तो हमें फिर मैं अगर थोड़ा बता हमारा एक क्वेश्चन था, मतलब एक प्रॉपर्टी थी आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट की पावर है, ये इसमें हमने करवाया था जो पावर जो कि आगे करते हैं वो ये हो जाता है आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास आर्गुमेंट का रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई की पावर 100, ये देखो। ओके, और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, और मेरे से पूछना आर्गुमेंट बताना है, तो देखो पावर है तो आगे आ जाए, ये हो जाएगा आर्गुमेंट रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको आर्गुमेंट निकालोगे इसका ये हो जाएगा 100, ठीक। और इधर हो जाएगा टैन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई कोएफिशिएंट अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स, x का है रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और ये दो वक्त में मॉड में ये हो माइनस ये दिया, तो माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, दोनों दो को खत्म कर दिया, तो हमारे पास बदल जाके 100 और ये हुआ जाके 100 और ये हुआ जाके, सॉरी ये पाई में भी आएगा क्यों, क्योंकि जब ये वैल्यू निकलेगी तो थर्ड क्वार्टर हमारा आएगा तो माइनस पाई और ये हो जाता है प्लस पाई, पाई प्लस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 100 पाई प्लस, और यहाँ से 1 अपॉन रूट 3 निकलेगा। टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू होती है, 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू जो होती है रेडियन में जो होती है पाई बाई 6, ये हो जाएगा 100 प्लस, सॉरी 100 प्लस कितना होगा 100 प्लस, और ये हो जाएगा 6/7 पाई बाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 700 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 6, हाँ तो 6 गुण से 6 गुण से कितना बचा 10 हो गया, 6 गुण से 10 हो गया, 1 से गया 10 हो गया, 6 गुण से 40 हो गया, 6 पंची 4 पाई बाई कितना 6, तो ये हो गया 2 बचा 2 2 3 जा 6 2 पाई बाई, मतलब ये हो गया 116 और ये क्या होता है और प्लस का 2 पाई बाय कितना, तो ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दिया, इसकी वैल्यू खत्म कितना आ गया 2 पाई बाय, वैल्यू जो इसकी जो एम्पलीट्यूड आया हुआ है आर्गुमेंट आया हुआ है तो इसका ये हमारा हो गया। ओके, ये 2 पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे कि नहीं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये तो मैंने कितना वैल्यू, अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो माइनस पाई प्लस थीटा करेंगे तो वैल्यू कुछ आएगी उसके अकॉर्डिंग दूसरा रहेगा, तो ये हमारा था। ओके, ये हमने इस तरीके से आर्गुमेंट हमने निकालना सीखा है।
जब आपको मैं प्रैक्टिस पे लाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें रिविजन कर लेगी, देन आपको प्रैक्टिस करनी तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आपको ये प्रैक्टिस क्लास देने वाला हूँ, बहुत जल्दी, इसके पर मैंने विचार किया बहुत, और बहुत जल्दी, दो चार पाँच दिन के अंदर बहुत जल्दी प्रैक्टिस क्लास आएगी। नेक्स्ट अगर हमारा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कितना हो गया z1 = 6 + 10, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और अगर इसका अगर हम इसका मॉडुलस निकाले हैं, मापांक निकाले हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z बराबर क्या होता है, अगर कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर इसका अगर मापांक निकाले हैं, इसका भी मान कितना होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ते हैं z1 + z2, ये आता है हमारा ना आता है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक भी होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर भी ऐड होता है 12 आता है, और अगर इनको दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं मॉड z1 और मॉड z2 तो इसकी वैल्यू जो आती है 12। तो मतलब क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का उनका जो मापांक है और उनके अलग अलग मॉडुलस के योग से कम होता है, ऐसा होता है, कम होता है अथवा बराबर होता है। अब बात आती है कि बराबर कब होता है, हम तो आपने देखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उनका अलग अलग मॉड निकाला करेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के उनका मॉड निकाला तो 12 आ गया, ठीक है। और इनको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ा, जो अलग अलग मॉडुलस उनके निकाले थे उनको जोड़ा तो 20 आया। मैंने बताने की कोशिश आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देना उनका मापांक निकालें तो उनके जो अलग अलग मॉडुलस हैं उनके योग से कम होता है। तो बात आती है बराबर कब होगा, जब दोनों नंबर सेम होंगे, क्या होगा जब दोनों नंबर सेम होंगे तो इनका जो मापांक है इनके मापांक के और इनके अलग अलग मापांक के संतुलन पर आए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर हमारे पास आपने बोला कि नंबर से माइनस है, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं अगर आपको दूं, देखो आपके पास अगर एक क्वेश्चन है इफ उनके अलग अलग ये ज्यादा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका अलग अलग जो मॉड है उनका योग जो है उनके अलग अलग मॉड के योग के बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ z1 + z2 का जो मान है वो क्या हो, आपने क्या किया कि आर्गुमेंट की इसकी प्रॉपर्टी पर रखती है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 - z2 = इतना। बट तो यहां से देखो आर्गुमेंट z1 और z2 की वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z1 - ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z2, ये दोनों बराबर है जब आप तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे भी अगर यहाँ पे वही रखोगे z1 / z2 और लॉग से लोगे जाके तो लॉग बन में क्या होती है जीरो, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई, ओके। फिर इसके लिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे बात कर तो यही अगर हमने यहाँ पे देखो दो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर लिए उनका अलग अलग मॉड निकाला, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा तो उनका जो मान आ रहा है तो उनके योग से हमेशा कम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हमारे पास z1 - z2, अगर इस तरीके से करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो छोटा है तो उनकी जो वैल्यू होती है उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो मॉडुलस होते हैं मापांक होते हैं अलग अलग योग से हमेशा ज़्यादा होती है, ज्यादा होगी अथवा बराबर होगी जाकर, तो एक ये भी प्रॉपर्टी होगी, एक ये भी हमारी प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन जनरली जो होते हैं मेंडे वगैरह क्वेश्चन में आते हैं और हाई थोड़ा एग्जाम में आते हैं, फिलहाल एयरपोर्ट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, मैपिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है फिलहाल। एक एक क्या होता है कि कभी कभार एनडीए में तो आ जाता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी देखा नहीं है, एनडीए में टाइप कर नहीं आता, ये था आपके उसमें मेरे बताने, ठीक है। तो ये
बात आ रहा है। अब अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो क्वेश्चन ये हमारा है, मैंने अभी पकड़ लिया कि दो मॉडल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका जो अलग अलग अंतर उनके अलग अलग योग से हमेशा अधिक होना है, ठीक है। ये क्या होगा डाली अधिक होगा, सॉरी नंबर ही माइनस आए, यहाँ पे माइनस आए, अलग अलग होगा, अलग अलग जो अंतर से हमेशा ज़्यादा होता है, जब छोटाएंगे ज़्यादा आए, ओके। वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास देखो क्वेश्चन, अगर हमारे पास जेड बराबर जेड माइनस फोर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है टेन, नॉट जेड माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू टेन दिया, तो हमसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस इस तरीके से क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ये प्रॉपर्टी हमारे इस तरीके से वैल्यू है जो हमें ये दिया है, तो हमने क्या किया कि इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए देखो जेड प्लस सिक्स को ये दिया है, हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होती है अगर दो है तो उनका जो सम होता है उनके अलग अलग मॉडुलस के सम के ऊपर ऊपर भी होता है और कम भी होता है। तो यहाँ से देखो जेड प्लस सिक्स था, ठीक है, प्लस हमारा सिक्स था, ओके। और दूसरी तरफ हमारा है जेड माइनस फोर, इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, छः आ जाए, जेड माइनस फोर में क्या जोड़ेंगे, छः आ जाए, मैंने वहाँ फिर जोड़ोगे दस जोड़ोगे, इसको मापांक निकालोगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस फोर, और दस का कितना आ जाए, लेकिन जेड माइनस फोर की वैल्यू हमने क्या रखी है, जेड माइनस फोर की दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनका डिफरेंस हमसे कह रहा है, उनका डिफरेंस उनके अलग अलग मॉडुलस के डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा अथवा बराबर होता है, ज़्यादा कब होगा जाके जब दोनों नंबर, सॉरी बराबर का होगा जाके जब भी दोनों नंबर सेम है, और ज़्यादा तो वैसे भी। तो हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन है कि अगर जेड मॉड जेड माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू टेन, हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मॉड ऑफ जेड प्लस सिक्स इक्वल टू वन, मतलब जेड प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई, ये कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है, जेड प्लस सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस फोर प्लस टेन, इसमें क्या है कि दो अलग अलग मॉडल नंबर हैं जेड माइनस फोर, और इसका जो अलग अलग होगा जब जेड माइनस फोर की वैल्यू हमें निकाली दस होती है, दस आगे फिर हम बढ़ते हैं। अगर तो नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो अगर हमसे कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, हमसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस टू प्लस जेड प्लस सिक्स, इसको जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो जेड प्लस सिक्स कितना होगा, जीरो जेड बराबर कितना होगा माइनस सिक्स, इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस सिक्स और ये कितना होगा, ठीक है, माइनस सिक्स दो, तो ये क्या करेंगे दो, अब ये कितना कम है उसको दिखाएंगे दो, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स, तो डिस्टेंस देखना है कितनी पावर कर रहा है, तो दो प्लस छः बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम
वैल्यू अगर कितने नंबर का है तो कितना है आठ है, कितनी वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को दिया जाए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया जाए हमारे पास ये दिया और इसकी कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू ये पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले इनको जीरो के बराबर लिखोगे, जेड माइनस वन बराबर जीरो, जेड बराबर वैल्यू कितनी आई पास, इसको जब लिखोगे तो जेड माइनस सिक्स बराबर जीरो, जेड बराबर कितनी आ गई, इसको लिखोगे जेड माइनस बारह बराबर जीरो, जेड बराबर वैल्यू कितनी आ गई बारह। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में डालेंगे, नंबर लाइन में डालेंगे तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा सिक्स, आगे होगा बारह। तो इन की डिस्टेंस अगर देखनी है कितनी इसमें अंतर है, कितनी दूरी है, ये यहाँ से देखा हूँ इसमें क्या लिखा बारह माइनस एक बराबर कितना होगी ग्यारह, कितनी होगी ग्यारह, बीच वाला नहीं लेना, बीच वाला थोड़ा मैं जो लास्ट है फर्स्ट कितनी दूरी है उसको ले। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन था हमारा इस तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलते हैं तो आपको हम कंजुगेट प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, देन उसी में ही आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में। और अगर हमारे द्वारा आपको पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।